नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से इस वक्त की महत्वपूर्ण ताजा खबरों में। आपको बता दें कि इस वक्त भारत में कोरोना वायरस मरीजों की संख्या बढ़कर 29,900 के पार निकल गई। वहीं मजदूरों को घर भेजने की मांग नहीं मानी तो मजदूरों ने किया भारी हंगामा और तोड़फोड़। वहीं अगली बड़ी खबर में 50 किलो के बोरे में मिल रहा है मात्र 45 से 47 किलो राशन। कोटेदारों ने SDM आवास पर किया प्रदर्शन। वहीं कोरोना संक्रमण पर बड़ा टकराव, हरियाणा अब दिल्ली को नहीं भेजेगा सब्जी, आवाजाही पर रोक। वहीं अगली बड़ी खबर में लॉकडाउन के बीच खुली प्लम्बर, इलेक्ट्रीशियन और वाटर प्यूरीफायर की दुकानें। वहीं टाटा स्काई ने पेश किया नया ऑफर, अब 2 महीने फ्री में देख सकेंगे टीवी। उधर लॉकडाउन में चल रहे सीमित वाहन फिर भी दिल्ली में एक दिन में कट रहे 24,000 से ज्यादा चालान। वहीं महिलाओं को घर बैठे मिल रहा रोजगार, लॉन्च की गई जीवन शक्ति योजना। और भी बड़ी खबरों को जानने के लिए वीडियो के अंत तक बने रहिए हमारे साथ। बस आपसे निवेदन है, कृपया वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी बटन जरूर दबा दें। दरअसल दोस्तों आपको बता दें कि आज भारत में कोरोना वायरस मरीजों की संख्या बढ़कर 29,974 हो गई। आपको बता दें कि जिसमें से 7,026 लोग अब तक ठीक हुए हैं। दुख भरी बात यह है कि जिसमें से 937 लोगों ने अब तक जान गंवा दी है। अगली बड़ी खबर, 50 किलो के बोरे में मिल रहा मात्र 45 से 47 किलो राशन। कोटेदारों ने SDM आवास पर किया प्रदर्शन। दरअसल दोस्तों आपको बता दें कि शोषण के खिलाफ कोटेदार का कहना है कि जब तक उनके घटतौली के शिकायत का समाधान नहीं होगा तब तक वह राशन नहीं बांटेंगे और जरूरत पड़ी तो इस्तीफा भी देंगे। आपको बता दें कि कोरोना महामारी में भी आपूर्ति विभाग की अंधेर नगरी खत्म होने का नाम नहीं ले रही। सार्वजनिक वितरण प्रणाली में कोटेदारों को दिए जाने वाले राशन में कम पैमाइश को लेकर कुशीनगर के कोटेदार एकजुट हो गए। कोटेदारों ने SDM तम कुही राज के आवास पर धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया। आपको बता दें कि उन्होंने बिना तौल के राशन उठाने से मना कर दिया। कोटेदारों का आरोप है कि जो राशन उन्हें वितरण के लिए दिया जाता है उसका वजन 50 किलोग्राम की बजाय केवल 45 से 47 किलोग्राम ही होता है। इसमें भी 3 किलोग्राम का बोरा भी होता है। घटतौली की वजह से हमें पूरा राशन नहीं मिलता तो हम गांव में राशन कार्ड धारकों को पूरा राशन कैसे बांटेंगे, इसकी कल्पना की जा सकती है। अपनी चोरी छुपाने के लिए खुद विभाग हम लोगों को चोर साबित कर देता है। राशन वितरण में व्याप्त भ्रष्टाचार व कालाबाजारी को लेकर जिला आपूर्ति अधिकारी विमल शुक्ला कहते हैं कि बोरे का तौल कराकर ही कोटेदारों को राशन देने का नियम है, किन परिस्थितियों में उन्हें बिना तौल राशन दिया जा रहा है इसकी जांच कराकर कार्रवाई की जाएगी। यह सुनिश्चित किया जाएगा कि बिना वजन कराए कोटेदारों को राशन ना दिया जाए। वह अगली बड़ी खबर, कोरोना संक्रमण पर बड़ा टकराव, हरियाणा अब दिल्ली को नहीं भेजेगा सब्जी भाजी, आवाजाही पर भी रोक। दरअसल दोस्तों आपको बता दें कि कोरोना को लेकर हरियाणा और दिल्ली में टकराव बढ़ गया। विवाद ने इतना तूल पकड़ लिया कि हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने दिल्ली को सब्जी भाजी भेजने से मना कर दिया। आपको बता दें कि सब्जियों की आपूर्ति रोक दी गई है। इतना ही नहीं, हिमाचल प्रदेश से आने वाली सब्जियों और फलों को भी अब वाया हरियाणा यानी हरियाणा के द्वारा दिल्ली नहीं भेजा जाएगा। हिमाचल की सब्जियों और फल सोनीपत में ही रोक दिए जाएंगे। आपको बता दें कि इस बारे में हरियाणा कृषि विपणन बोर्ड के सोनीपत कार्यालय ने अलग से आदेश जारी किया है। आपको बता दें कि दरअसल कोरोना संक्रमण को लेकर हरियाणा और दिल्ली सरकार में टकराव के हालात तब बन गए जब हरियाणा का आरोप है कि दिल्ली में संक्रमित होकर लोग यहां पहुंच रहे हैं जिनकी वजह से कोरोना पॉजिटिव केस बढ़ गए हैं। हरियाणा के इस आरोप पर दिल्ली सरकार ने पलटवार किया। दिल्ली कैबिनेट में सीनियर मंत्री सत्येंद्र जैन ने कहा कि हरियाणा बॉर्डर पर जो लोग रहते हैं उनका ही दिल्ली में आना जाना लगा रहता है। काफी संख्या में लोग दिल्ली में रहते हैं लेकिन गुरुग्राम में काम करते हैं, इस विवाद में वह नहीं पड़ना चाहते, इसलिए हरियाणा को विवादित बयान देने से बचना चाहिए। आपको बता दें कि इस वजह से अनिल विज ने सब्जी भाजी पर रोक लगा दी, यानी कि अब दिल्ली में हरियाणा की सब्जी भाजी नहीं जाएगी बल्कि हरियाणा के रास्ते होते हुए दिल्ली में कोई भी सब्जी नहीं जाएगी। वह अगली बड़ी खबर, लॉकडाउन के बीच दिल्ली में खुली प्लम्बर, इलेक्ट्रीशियन व वाटर प्यूरीफायर की दुकानें। दरअसल दोस्तों आपको बता दें कि देश की राजधानी दिल्ली में लगातार सामने आ रहे कोरोना वायरस संक्रमण के बीच केजरीवाल सरकार के निर्णय के बाद मंगलवार को ज्यादातर इलाकों में दुकानें तो खुली लेकिन खरीदार नजर नहीं आए। आपको बता दें कि मंगलवार सुबह से ही प्लम्बर, इलेक्ट्रीशियन और वाटर प्यूरीफायर की मरम्मत करने वाली दुकानें खुली हुई हैं। इसके अलावा मार्केट में किताब, स्टेशनरी और इलेक्ट्रीशियन पंखे की दुकानें भी खुली हुई हैं। दिल्ली में सत्तासीन आम आदमी पार्टी सरकार लोगों की परेशानी को देखते हुए राहत का दायरा कुछ और बढ़ाया है। आपको बता दें कि सोमवार को दिल्ली के मुख्य सचिव विजय देव ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिए। दिल्ली सरकार के आदेश के मुताबिक वेटरनरी हॉस्पिटल, क्लिनिक, पैथ लैब, वैक्सीन और मेडिसिन की बिक्री और आपूर्ति से संबंधित दुकानों को खोलने की छूट दी है। आपको बता दें कि यही नहीं, राज्य के बाहर मेडिकल और वेटरनरी से जुड़े व्यक्तियों, वैज्ञानिकों, नर्स, दाई, पैरामेडिकल स्टाफ, लैब टेक्नीशियन सहित एम्बुलेंस को कहीं भी आने जाने की छूट दी गई है।
आपको बता दें कि इसके साथ ही दिव्यांग बच्चों, सीनियर सिटीजन, मानसिक रोगी आदि के लिए होम चलाने संगठनों को भी छूट दे दी गई है। वही अगली बड़ी खबर, टाटा स्काई ने पेश किया नया ऑफर, अब 2 महीने फ्री में देख सकेंगे टीवी। दरअसल दोस्तों आपको बता दें कि लॉकडाउन के दौरान टाटा स्काई अब तक अपने यूजर्स के लिए कई खास सर्विसेज पेश कर चुका है। आपको बता दें कि पिछले दिनों कंपनी ने अपने 10 फ्री चैनल की वैलिडिटी को बढ़ाकर 30 अप्रैल कर दिया था। इसके अलावा कंपनी ने यूजर्स की सुविधा के लिए फ्री क्रेडिट की भी घोषणा की थी। वहीं अब टाटा स्काई ने एक और नया ऑफर पेश कर दिया। इस ऑफर के तहत यूजर्स को 2 महीने तक फ्री टीवी देखने की सुविधा मिलेगी। आपको बता दें कि टेलीकॉम टॉक की रिपोर्ट के अनुसार टाटा स्काई अपने सालाना सब्सक्राइबर्स के लिए कैशबैक के तौर पर महीने भर की फ्री सर्विस उपलब्ध करा रही है। इस सर्विस का लाभ केवल वही यूजर्स उठा पाएंगे जो पूरे साल के लिए एक बार रिचार्ज करवाते हैं। यह ऑफर 30 जून 2020 तक वैलिड होगा। आपको बता दें कि टाटा स्काई के इस ऑफर का लाभ उठाने के लिए यूजर्स को एक साल का रिचार्ज एक साथ कराना होगा। रिचार्ज कराने के बाद यूजर्स के अकाउंट में 2 दिन बाद 1 महीने का कैशबैक आ जाएगा। अगली बड़ी खबर, मजदूरों को घर भेजने की मांग नहीं मानी तो मजदूरों का भारी हंगामा और तोड़फोड़। दरअसल दोस्तों आपको बता दें कि मजदूरों का आरोप है कि लॉकडाउन के दौरान भी उनसे काम करवाया जा रहा था, घर भेजे जाने की मांग नहीं मानी तो मजदूरों ने हंगामा और तोड़फोड़ कर दी। आपको बता दें कि कोरोना वायरस को लेकर देश में लॉकडाउन जारी है, इसका असर मजदूरों पर देखने को मिल रहा है। प्रवासी मजदूर अपने घर गांव वापस जाना चाहते हैं, लेकिन फिलहाल उनके सामने कोई विकल्प नहीं है। इस बीच गुजरात के सूरत में डायमंड ड्रीम सिटी में काम करने वाले मजदूरों ने ये मांग की कि उन्हें वापस अपने घर भेज दिया जाए, लेकिन ये मांग नहीं माने जाने पर गुस्साए कामगारों ने तोड़फोड़ कर दी। आपको बता दें कि सूरत में लॉकडाउन के बाद भी यहां मजदूरों से काम करवाया जाता था। मजदूरों की मांग थी कि उन्हें वापस भेजने का इंतजाम किया जाए, लेकिन जब ऐसा नहीं हुआ तो उन्होंने वहां पर तोड़फोड़ कर दी। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर उन्हें समझाया, फिलहाल माहौल एकदम ठंडा पड़ा है। वही अगली बड़ी खबर, लॉकडाउन में चल रहे सीमित वाहन, फिर भी दिल्ली में एक दिन में कट रहे 24,000 चालान। दरअसल दोस्तों आपको बता दें कि लॉकडाउन के चलते दिल्ली की सड़कों पर भले ही वाहनों की संख्या सीमित हो गई हो, लेकिन फिर भी दिन में दिल्ली में औसतन 24,000 चालान कट रहे हैं। इनमें से अधिकतर चालान ओवर स्पीडिंग के हैं। लॉकडाउन के दौरान 1 महीने में 18 लोगों ने सड़क हादसे में अपनी जान गंवा दी है। आपको बता दें कि लॉकडाउन को शुरू हुए 1 महीने से ज्यादा का वक्त बीत चुका है। ऐसे में राजधानी दिल्ली में जहां लॉकडाउन से पहले जाम की समस्या आम थी, तो वहीं अब सड़कें खाली पड़ी हुई हैं। आपको बता दें कि दिल्ली ट्रैफिक पुलिस के अनुसार 24 मार्च से लेकर 27 अप्रैल तक कुल 7,20,000 चालान काटे जा चुके हैं। आपको बता दें कि जिसमें से अधिकांश चालान तेज रफ्तार से वाहन चलाने के हैं। वह अगली बड़ी खबर, गुजरात और महाराष्ट्र में फंसे अपने कामगारों को वापस लाने के लिए कदम उठाएगी उड़ीसा सरकार। दरअसल दोस्तों आपको बता दें कि गुजरात और महाराष्ट्र में फंसे अपने कामगारों को वापस लाने के लिए उड़ीसा सरकार कदम उठाएगी। उड़ीसा के सीएम नवीन पटनायक ने इसके लिए गुजरात के मुख्यमंत्री और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री से चर्चा की है। आपको बता दें कि देश भर में लॉकडाउन की वजह से विभिन्न राज्यों में फंसे उड़ीसा कामगारों को वापस लाने के लिए उड़ीसा सरकार ने पहल की है। एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि सरकार गुजरात और महाराष्ट्र में फंसे अपने कामगारों को सम्मानजनक तरीके से लाने के लिए ठोस कदम उठाएगी। आपको बता दें कि उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने इस मुद्दे पर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे और गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपाणी से वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए चर्चा की है। इस चर्चा में केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान भी शामिल हुए हैं। वह अगली बड़ी खबर, महिलाओं को घर बैठे मिलेगा रोजगार, लॉन्च की गई जीवन शक्ति योजना। दरअसल दोस्तों आपको बता दें कि नगरीय क्षेत्र की महिलाओं को घर बैठे रोजगार देने के लिए मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने जीवन शक्ति योजना लॉन्च कर दी। योजना के तहत महिलाएं घर में मास्क तैयार करेंगी और सरकार 11 रुपए की दर से सभी मास्क खरीदेगी। मुख्यमंत्री चौहान ने महिलाओं को मास्क की राशि का भुगतान तुरंत करने का भरोसा दिलाया। योजना में पंजीयन करा चुकी महिलाओं से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से शिवराज सिंह चौहान ने बात भी की है। कोरोना संक्रमण का रोजगार और धंधों पर बुरा असर पड़ा है। लॉकडाउन के चलते लोग 1 महीने से घरों से बाहर नहीं निकल पा रहे। वहीं जनता को संक्रमण से बचाने के लिए सरकार को बड़े संख्या में मास्क की जरूरत भी है। इस स्थिति को देखते हुए सरकार ने घर घर मास्क बनाने की रणनीति बना ली है। मुख्यमंत्री चौहान ने कई दिन पहले फेसबुक लाइव के माध्यम से प्रदेश की जनता को संबोधित करते हुए इस योजना का जिक्र भी किया था। सरकार महिलाओं को एक बार में 200 मास्क बनाने का ऑर्डर देगी। मास्क सूती कपड़े का बनाना होगा। मास्क इकट्ठा करने के लिए नगरीय निकायों में नोडल अधिकारी बना दिए गए हैं। आपको बता दें कि इन अफसरों के पास मास्क जमा करना होगा और महिलाओं को उसी दिन या फिर अगले दिन बैंक खाते में मास्क की राशि मिल जाएगी। वह अगली बड़ी खबर, पूरी दुनिया में कोरोना के मरीजों की संख्या हुई 30 लाख के पार, 12 दिन में आए 10 लाख नए मरीज।
दरअसल दोस्तों आपको बता दें कि कोरोना वायरस अब तक दुनिया में 2,07,257 लोगों की जान ले चुका है। वहीं इससे संक्रमित लोगों की संख्या बढ़कर अब 30 लाख के पार निकल गई है। अब तक पूरी दुनिया में इसके करीब 8,82,954 मरीज ठीक हुए हैं। 1 अप्रैल 2020 को दुनिया भर में इसके कुल मामलों की संख्या 9,40,523 थी, जो कि अब बढ़कर 30 लाख के पार निकल गई। अगर भारत की बात की जाए तो भारत में कोरोना वायरस मरीजों की संख्या बढ़कर 29,974 हो गई है, जिसमें से 7,026 मरीज ठीक हुए हैं और 937 लोगों ने अपनी जान गंवा दी है। वही मौसम अपडेट स्काईमेट वेदर के अनुसार अगले 24 घंटों के दौरान पूर्वोत्तर भारत, गंगीय पश्चिम बंगाल, तटीय उड़ीसा और केरल के कुछ हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश होने या फिर गरज के साथ बौछारें पड़ने का अनुमान है। इन भागों में कहीं कहीं भारी बौछारें गिर सकती हैं। आंतरिक तमिलनाडु, आंतरिक कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में कई जगहों पर हल्की से मध्यम बारिश के आसार हैं। मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड़ा, दक्षिण पश्चिमी और पूर्वी उत्तर प्रदेश, उत्तरी मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार और झारखंड में एक दो स्थानों पर हल्की वर्षा के आसार हैं। हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, लद्दाख और उत्तरी पंजाब में कुछ स्थानों पर हल्की बारिश तथा उत्तरी हरियाणा में एक दो स्थानों पर वर्षा के आसार हैं। ये थी अब तक की बेहद बड़ी खबरें। यदि आप भी चाहते हैं कि भारत से कोरोना वायरस जल्द खत्म हो जाए तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी बटन जरूर दबा दें। जल्द मिलते हैं बड़ी अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।